हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूपल और एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है रूपल्स किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं वेजिटेबल स्टीट सैंडविच की रेसिपी। बहुत क्विक रेसिपी है, 5 से 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। काफ़ी हेल्दी सैंडविच है, तो चलिए इस सैंडविच की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ब्राउन ब्रेड, आप चाहो तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हो। सब्जियों में लेंगे उबले हुए कॉर्न, शिमला मिर्च बारीक काट लेंगे बिल्कुल इसको, एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और टमाटर मीडियम साइज़ का उसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर लिया है आधी छोटी चम्मच, काली मिर्च, ये मैंने पीरी पीरी सॉस लिया है, आप चाहो तो इसकी जगह टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हो या जो भी सॉस आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं इसमें। एक बड़ा चम्मच मेयोनीज ली है और आधी छोटी चम्मच नमक। सबसे पहले हम सैंडविच के लिए फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए एक बाउल में प्याज बारीक कटी हुई, टमाटर, उबले हुए कॉर्न और शिमला मिर्च ले लेंगे। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई सी भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आप पसंद करते हो। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, चिली फ्लेक्स या लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं आप, और अगर नहीं डालना चाहते तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक बड़ा चम्मच मेयोनीज, मेयोनीज की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसमें पीरी पीरी सॉस या जो भी सॉस आपके पास हो वो डाल दें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। हमारी सैंडविच की फिलिंग रेडी हो गई है। अब हमने जो ब्रेड लिए थे इन सब पे बटर लगा लेंगे। मैं एक साइड बटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो दोनों साइड ब्रेड में बटर लगा सकते हैं। सभी ब्रेड्स पे बटर लगा के रेडी कर लेंगे पहले, और सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड लेंगे, इस पे फिलिंग रखेंगे। 3 से 4 बड़े छोटे चम्मच हम फिलिंग डालेंगे इसमें। बहुत टेस्टी लगती है ये सैंडविच और बहुत हेल्दी है, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी सारी सब्जियों का यूज़ किया है, और सैंडविच अगर इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे सब्जियां भी आराम से खा लेते हैं। तो ये आप बच्चों के टिफ़िन में या जब भी आपका मन करे इसे बनाकर खा सकते हैं। इसी तरह हम दूसरी ब्रेड पर भी फिलिंग रख लेंगे, दोनों पे एक एक चीज़ स्लाइस रखेंगे। चीज़ स्लाइस या ग्रेटेड चीज़, प्रोसेस चीज़, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को कवर कर देंगे और उसके सेकेंड साइड पे भी हम बटर लगा लेंगे। ये हमारी सैंडविच रेडी है ग्रिल होने के लिए। सैंडविच को सेकने के लिए या ग्रिल करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस टोस्टर यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं। सैंडविच जो हमने रेडी करी है इसे टोस्टर के अंदर रख लेंगे, टोस्टर बंद करके और फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, गैस पे मीडियम से लो फ्लेम के बीच में रखें, जिससे जो हमारी ब्रेड है वो बहुत अच्छी क्रिस्प हो जाएगी और जो अंदर से सब्जी है वो भी बहुत अच्छे से पक जाएगी। 2 मिनट बाद इसे पलट लेंगे और एक बार चेक कर लेंगे। ये एक साइड से सैंडविच हमारी अच्छे से ग्रिल हो गई है, सेकेंड साइड भी इसे 2 मिनट तक पकने दें, और ये हमारी दोनों साइड से सैंडविच अच्छे से ग्रिल होकर रेडी है बिल्कुल। तो इसे हम एक प्लेट गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और इसी तरह हम अपनी बाकी सैंडविच रेडी कर लेंगे। जब तक एक सैंडविच सिकती है हम दूसरी सैंडविच में फिलिंग भर के रेडी कर लेंगे, और दोनों साइड बटर लगा के इसे टोस्टर के अंदर रख देंगे और एक एक साइड से 2-2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसे सेक लेंगे। सेकेंड साइड भी इसे टर्न कर लेंगे और ये हमारी दूसरी सैंडविच भी बनके तैयार है। इसी तरह आप भी सारी सैंडविच बनाकर रेडी कर लें। बहुत क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच बनके तैयार हुई है और ये बहुत जल्दी बन जाती है। काफ़ी हेल्दी सैंडविच है ये, आप इसे रोज़ ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं, या जब आपका मन करे तब इसे बनाकर खा सकते हैं। इसे कट करके भी देख लेंगे, अंदर से ये एकदम मॉइस्ट है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी है। तो आप भी सैंडविच की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।